कैसे हैं दोस्तों, मैं हूं चंद्रेश ठाकुर और आप देख रहे हैं हमारी अपनी यूट्यूब चैनल चंद्रेश टी। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है मेरा 5 तारीख के लिए है, ठीक है। आज अभी 4 तारीख है और मैंने आज सुबह 3 बजे के करीब यूट्यूब चैनल पर जो वीडियो पोस्ट किया था, तो उस वीडियो में मैंने एग्जैक्टली जो बताया था और जो लेवल दिए थे, तो उस लेवल के ऊपर मार्केट ने कैसा काम किया है और आने वाले वक्त में किस हिसाब से उसमें काम हो सकता है, उसके बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, चार्ट ओपन कर लेते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों, निफ्टी का चार्ट 15 मिनट टाइम फ्रेम, जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो ये जो है एग्जैक्ट यहाँ पर आया मार्केट वैसे ही, और फिर मार्केट ने जो है एक डबल टॉप पैटर्न बनाया और उसके बाद में फिर डबल टॉप टाइप का पैटर्न बना के उसको नीचे की साइड, जैसे ही मार्केट खुला वैसे ही नीचे गिरावट उसकी चालू हो गई। तो यहाँ से अगर ये एक बार इस जोन में चला जाता 18,270 के आसपास, थोड़ा सा ही जाना था उसको 25-30 पॉइंट, तो बहुत अच्छा काम हो जाता, जो एक हमारा डाउट था वो क्लियर हो जाता और हमें मार्केट जो है एग्जैक्टली उसका प्रिडिक्शन हमारा करना तय हो जाता कि मार्केट नीचे जाना है। बट जैसे कि आज का चाल आया है और जिस हिसाब से आज मार्केट चला है नीचे की साइड, तो उससे जो है ज़्यादातर हमें क्लियरली हो चुका है, अभी इसमें ज़्यादा कुछ डाउट है नहीं कि मार्केट जो है एक बार डेफिनेटली जो है नीचे जाएगा। और जो मैंने आपको बताया था कि डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मैंने जो व्यू था, मेरा जो प्रिडिक्शन था, तो उसी हिसाब से मार्केट जो है एग्जैक्ट वर्क करता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों, एक बार मैं आपको बता दूं, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट को जो है जाना है ये जोन को टेस्ट करने के लिए, ठीक है। यहाँ से ये जोन में कहीं पर से उसका रिवर्सल आएगा और उसका जो है डेली टाइम फ्रेम का नेगेटिव साइकिल है वो ख़त्म हो जाएगा। तो मे भी हो सकता है ये 4 आवर टाइम फ्रेम का कंसोलिडेशन कंप्लीट करके जो है निफ्टी अपना जो है वापस ऊपर की साइड का चाल कंप्लीट कर सकता है। तो 4 आवर टाइम फ्रेम का कंसोलिडेशन हो सकता है, एक संभावना है। दूसरा, वो अगर ज़्यादा कुछ बियरिशनेस उसमें आ गया तो एक बार जो है 17,500 से लेकर 16,500 के नीचे की साइड का जो जोन है उसको रिटेस्ट करेगा। तो दोस्तों, थोड़ा जैसे कि मैंने अगले वाले वीडियो में बताया, थोड़ा सा अभी निफ्टी के अंदर जो है थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है और उसी हिसाब से स्टॉक स्पेसिफिक भी मूवमेंट आएगा। और आज आपने देखा ही होगा कि पोर्टफोलियो में कितना इम्पैक्ट आ रहा था, कैश में काफ़ी सारे स्टॉक थे, उसका बिकवाली हमको देखने को मिल रहा था। तो ये जैसा ही अपना नया साल स्टार्ट हुआ वैसे ही मार्केट ने जो है फिर से नीचे की साइड एक छलांग लगा दी। और वैसे हम एज पर फॉरकास्टिंग सिस्टम देखे, इलियट वेव, नियो वेव, तो हमें कुछ ऐसा इसमें नया होता हुआ नहीं दिखा है। हाँ, एक डाउट था यहाँ से कि एक बार मार्केट थोड़ा ऊपर जाकर नीचे जा सकता है, क्योंकि ये जो बी वेव है, बी वेव थोड़ा अच्छे से ऊपर डेवलप हुआ होता तो अपना जो है निफ्टी साइडवेज होता और डाउनफॉल का इतना ज़्यादा हमें डर नहीं रहता। तो अभी के लिए क्या प्रेडिक्शन है दोस्तों निफ्टी के अंदर, तो निफ्टी में मैं बता दूं, क्लियर कट मिनिमम उसको जो है 17,800 तक जाना है। तो मैं यहाँ से अगर बात करूँ, यहाँ से ये जोन से लेकर ये जोन में यहाँ से कहीं से जो है निफ्टी का रिवर्सल आएगा और निफ्टी जो है यहीं कहीं से रिवर्सल लेने की कोशिश करेगा। तो उसका मैं लेवल आपको दे दूं, वैसे तो मैं हर रोज़ वीडियो बनाता ही हूँ और हर रोज़ आपको जो है अपडेट करता रहूँगा। तो यहाँ से मुझे फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से मुझे आने वाले करेक्शन का जो है यानी फॉरकास्ट करना पड़ेगा। वैसे तो देखें तो ये करेक्शन नहीं माना जाएगा, ये है इम्पल्स वेव है, करेक्शन जो होता है अभी डाउन साइड का ट्रेंड है। तो यहाँ से यहाँ पर जो ये हुआ ऊपर की साइड, इसको हम करेक्शन बोलते हैं, ठीक है। इम्पल्स वेव इसका ये ए वेव था, ये बी वेव का करेक्शन था और ये बी वेव का करेक्शन यहाँ पर कहीं पर चला जाता, थोड़ा सा ऊपर यहाँ से आ जाता 100-200 पॉइंट तो बहुत अच्छा होता। बट ठीक है, चलो अभी उसको हम देखते हैं आगे कैसा फर्दर अपडेट रहता है। तो बी वेव अगर यहाँ से ये बी वेव अपना जो है मान लीजिए ऊपर की साइड कंप्लीट हो चुका है और ये नीचे सी वेव चालू हो जाता है, तो यहाँ से इसको हम एक बार ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट डाल सकते हैं इसके ऊपर और यहाँ से जो है नीचे के लेवल 17,774 और दूसरा एक लेवल जो है
17,780 का निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर मैं आई होप के लाइनें ड्रॉ कर दूंगा अभी से ही, ताकि आपको जो है आने वाले वक्त में जो है थोड़ा सा हेल्प हो सके। और वर्स्ट केस में तो फिर जो है नीचे, अभी के लिए वो मैं बात नहीं कर रहा हूँ उतने ज़्यादा डाउनफॉल की, बट यहाँ तक की मैं एग्जैक्ट बात कर रहा हूँ, 17,400 के आसपास की गुंजाइश है निफ्टी में, बिल्कुल गुंजाइश है, निफ्टी आ सकता है, ठीक है, निफ्टी वहाँ तक डेफिनेटली जा सकता है। और वहाँ से उसके बाद में अगर उससे पहले पहले जो कहीं निकल गया तो निफ्टी जो है यहीं कहीं के जोन से वापस ऊपर की साइड आना ऊपर चालू हो जाएगा। तो 200 का ईएमए भी आ रहा है अपना डेली टाइम फ्रेम का, तो आई होप 17,500 के आसपास से जो है निफ्टी रिवर्सल ले ले वापस ऊपर की साइड, उसका जो है इम्पल्सिव वेव बनना चालू हो जाए और ये करेक्शन जो है सिंपल जिगजैग करेक्शन रहे, कॉम्प्लेक्स करेक्शन ना बने, क्योंकि कॉम्प्लेक्स करेक्शन जो होती है वो टाइम वाइज थोड़ा ज़्यादा चलती है। तो आई होप कि ये जो है निफ्टी के लेवल है आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। और अगर आपका पोर्टफोलियो माइनस जा रहा है तो इतना कुछ आप टेंशन मत लीजिए, ये जो है एक नॉर्मल करेक्शन है और ऐसी करेक्शनें होती रहती है। अभी अभी ये डेली टाइम फ्रेम से निकला है निफ्टी, तो यहाँ पर ये टाइम मुझे नहीं लग रहा है ज़्यादा टाइम लेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी उसने जो है ये पूरा अपना काम ख़त्म किया है। हो सकता है ये जोन को जो है एक बार रीटेस्ट कर ले और फिर से ऊपर की साइड की मूवमेंट दिखाना चालू करे। और यहाँ कहीं पर भी जोन में यहीं यहाँ या यहाँ से कहीं से भी ऐसा रिवर्सल आता हुआ आपको दिखे तो वो रिवर्सल जो होगा बहुत ही फास्ट और क्विक होगा, क्योंकि उसको 0-B ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना होगा और उसके लिए उसको ब्रेक करने के लिए उसको जो है एक जो टाइम है उस टाइम के अंदर ब्रेक करना होगा, क्योंकि ये अपना इलियट वेव थियरी में जो है जितना टाइम करेक्शन में लगता है उस करेक्शन को फिर उतना जल्दी उसको ख़त्म भी करना रहता है, वरना जो है उस वो थियरी अपनी सही नहीं बैठती है। तो यहाँ पर मैं फिर से आपको बता दूँ, फिर से एक नई ट्रेंड लाइन डाल रहा हूँ सिस्टम में, 0-B ट्रेंड लाइन, ठीक है, ये अपना 0-B ट्रेंड लाइन हो गया यहाँ पर। इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक होने के बाद मैं मानूंगा कि ये जो है ट्रेंड अपना रिवर्सल हो चुका है और ये ट्रेंड जो है ऊपर की साइड फिर वापस निकलना चालू हो जाएगा। और नीचे की साइड का व्यू मैं बता दूं आपको, तो नीचे के लेवल है सबसे पहले उसको 17,890 के आसपास जाना है, उसके बाद में 17,470 और उसके बाद में 16,970 के आसपास और उसके बाद लास्ट में 16,500 के नीचे कुछ नहीं है, नीचे कुछ भी इतना वो नहीं है। तो यहाँ से आप गिने ज़्यादा से ज़्यादा तो हो सकता है 1500 पॉइंट का करेक्शन एक दिख रहा है। और वो सेकआउट मैंने कल के वीडियो में मैंने आपको बोला था कि ये जो है ये सेकआउट आने वाला है, ये जनवरी मंथ में ही आने वाला है और आई होप जनवरी के फर्स्ट हाफ में ये सब ख़त्म हो जाए, ताकि जो सेकंड हाफ है जनवरी का उसमें हम अच्छे से इंजॉय कर पाए, ठीक है। तो अभी के लिए 19 तारीख के आसपास का करेक्शन जो है ये दिखा रहा है और उससे पहले पहले जो है ये ख़त्म हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये था दोस्तों निफ्टी पे मेरा व्यू, उसके साथ ही साथ में हम जो है बैंक निफ्टी पे भी बात कर लेते हैं अभी, क्योंकि चार्ट ओपन करके रखा हुआ है। तो बैंक निफ्टी में मैंने बोला था निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी ज़्यादा गिरेगा, क्योंकि निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी आगे भी बहुत अच्छा था और एक टाइम फ्रेम का फर्क है उसमें, ये जो है निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का करेक्शन है और बैंक निफ्टी का 4 आवर का करेक्शन है। तो इसी हिसाब से जो है बैंक निफ्टी को अगर निफ्टी के साथ चलना है तो थोड़ा ज़्यादा करेक्शन दिखाना बहुत ज़रूरी है उसके अंदर, और अगर वो अपना जो है आउट परफॉर्म दिखाता है निफ्टी को बैंक निफ्टी तो फिर जो है बैंक निफ्टी इतना ज़्यादा नीचे नहीं आएगा। बट अभी मुझे लग रहा है अभी के लिए, अगर मुझे कोई मेरा अपना एक्सपीरियंस में आपको बताऊं कि बैंक निफ्टी जो है ज़्यादा करेक्ट हो सकता है यहाँ से, ठीक है, एज कम्पेयर टू निफ्टी, बट उसके लिए उसको जो है ये जोन को काटना पड़ेगा और वो जोन थोड़ा 400 पॉइंट यहाँ से नीचे है। तो अगर आज या कल के दिन में अगर कोई अच्छा शेकआउट आता है नीचे की साइड तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि वो करेक्शन जो है थोड़ा निफ्टी के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंड होगा बैंक निफ्टी के अंदर। तो ये हो गया बैंक निफ्टी पे भी, उस साथ ही साथ में कैश का स्टॉक HDFC के बात कर लेते हैं, ठीक है। HDFC क्योंकि मैं उसको अच्छे से फॉलो करता हूँ और उसमें जो है
मेरा ऐसा चंक क्वांटिटी कैपिटल का लगा हुआ भी है, तो मैं उसके ऊपर ज़्यादा एनालिसिस भी करता हूँ, ज़्यादा डेटा भी उसका कलेक्ट करता हूँ, और उसके साथ ही साथ में उसकी बात भी आप देख रहे होंगे, मैं हर एक वीडियो में ट्राई करता हूँ उसको डिस्कस करने के लिए। तो डेली टाइम फ्रेम मैंने ओपन करके रखा है दोस्तों, डेली टाइम फ्रेम का जो है एक नेकेड आई से भी देखे तो बहुत ही अच्छा जोन बना हुआ है। यहाँ पर आप देखिए HDFC में एग्जिट क्या चल रहा है, एक एक हम बोलेंगे इसको कि यहाँ पर ये पूरा का पूरा एक जोन बना हुआ है, ठीक है। अगर ये यहाँ यहीं कहीं पे प्राइस आ जाता है 2600 या 2500 के आसपास, तो 2580 के आसपास भी आ जाता है, तो वो जो है अपना HDFC जो है अपना डेली टाइम फ्रेम का नेगेटिव साइकिल चढ़ते पड़ते जो है कंप्लीट कर लेगा। और ये पूरा का पूरा साइडवेज हुआ है क्योंकि, तो उसके बाद में जो ऊपर की साइड एज पर डार्विन बॉक्स थियरी ब्रेकआउट आएगा वो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये आने वाले वक्त में हो सकता है HDFC एक आध बार यहाँ नीचे निकलेगा, पर वापस जोन में आकर फिर जो है इस जोन को जब ब्रेकआउट देगा ऊपर की साइड, क्योंकि इसका ट्रेंड ऊपर की साइड का है, तो ये ऊपर की साइड जब भी ब्रेकआउट देगा तो बहुत ही अच्छा मोमेंटम आएगा इसमें, और बहुत ही जल्द हो सकता है इसमें फिर नए जो है हाई लगते हुए हमको दिखे HDFC बैंक के अंदर। तो दोस्तों ये था मेरा आज का निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू, और साथ ही साथ में मैंने HDFC के बारे में भी बात कर लिया, और उसके साथ ही साथ एक और स्टॉक देख लेते हैं, MAH लाइफ। इसमें दोस्तों देखिए क्या हो रहा है कि आज काफ़ी टाइम से एक साइडवेज हो गया है स्टॉक, यहाँ पर जो गिरावट उसकी हो रही थी वो पूरी की पूरी जो है एक बंद हो गई है, और यहाँ पर जो है थोड़ा साइडवेज होने का कोशिश कर रहा है। तो क्या ये बॉटमिंग कर रहा है, और क्योंकि अपना फॉरकास्टिंग सिस्टम बता रहा है कि इसको जो है एक बार ये 582 के जोन में जाना है ऊपर, तो क्या ये साइन कुछ आ रहा है ऐसा कि यहाँ से ये रिवर्सल ले ले, और ऊपर हमेशा ये डोजी दे रहा है, कुछ काफ़ी दिनों से डोजी कैंडले बना रहा है, ठीक है। तो ये सारी जो कैंडले है ये रिवर्सल का साइन है, तो क्या MAH लाइफ में यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, क्योंकि हम लोग हमारा बाइंग यहीं पर है, ठीक है, 362 के आसपास बाइंग है, तो हमने कुछ इतना पोर्टफोलियो में ये वाले स्टॉक में कुछ इतना नेगेटिव हमको नहीं दिखा है, और आई होप के आने वाले वक्त में क्योंकि उसका करेक्शन बहुत ही जल्द ख़त्म हो और उसके बाद में ये जो है ऊपर की साइड की अपनी मूवमेंट चालू कर दे। ये ऑलमोस्ट 3 महीने अपने जो है निकाल चुका है, अभी भी उसको 3-1 महीने और निकालने हैं इसी रेंज में, तो यहाँ हो सकता है कि एक बार जो है ऐसा निकले फिर से यहाँ पर साइडवेज हो जाए, ठीक है, थोड़ा ऊपर आके साइडवेज हो जाए, ऐसा हो सकता है MAH लाइफ में। बट आज जो है आउट परफॉर्म किया है उसने निफ्टी के हिसाब से, जिस हिसाब से निफ्टी नीचे गिरा MAH लाइफ नीचे नहीं गिरा है, तो यहाँ पर जो है इन्वेस्टर है और ट्रेडर है उसको कोई भी इसको बेचना नहीं चाह रहा है, सबको एग्जैक्ट पता है कि इसका फोर्थ वेव का करेक्शन जो है गोल्डन रेशियो में आ चुका है, और ये गोल्डन रेशियो से नीचे जाने वाला स्टॉक यहाँ से मुझे नहीं लग रहा है, और उसके बाद में उसका लेवल है फिफ्थ वेव का, वो मिनिमम जो है यहाँ ये जोन में 540 तक का आता हुआ हमको बहुत ही जल्द दिखेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो दोस्तों, चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी जो है ये नॉलेज गेन कर पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू वेरी मच।